बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। पहले जो ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं ये इंग्लिश में पेश की गई, अब ये मैं उर्दू में पेश करूँगा और विद एक्सप्रेशन पेश करने की कोशिश करूँगा। आवाज़ को ऊँचा नीचा करके स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। आज की मेरी स्टोरी है प्यासा कौवा। जी, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बड़ा प्यासा था, वो इधर उधर उड़ रहा था लेकिन उसे पानी कहीं ना मिला। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा, वहां पर देखा उसने एक गड़ा था, उसमें पानी मौजूद था लेकिन पानी बहुत नीचा था। अब वो क्या करता, उसने हिम्मत ना हारी, उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। एट लास्ट उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने नज़दीक ही छोटे छोटे कंकर तलाश किए और उनको गड़े में फेंकना शुरू कर दिया और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया। और जब पानी ऊपर आया तो उसने बड़े मज़े से पिया और वो उड़ गया। तो इससे हमें क्या सबक मिला कि ज़रूरत इजाद की माँ है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफ़िज़।